दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में अब डिजिटल कार्ड के जरिए 6 रुपए में 20 लीटर पानी 24 घंटे मिलेगा। जी हाँ, इसके लिए पानी को पीने योग्य बनाने के लिए प्लांट लगा है और इस तरह के प्लांट दिल्ली में बड़े पैमाने पर निजी कंपनियां लगा रही हैं। बता दें कि स्थानीय विधायकों की मदद से लगे प्लांट लोगों को सुविधा तो दे रहे हैं, लेकिन साथ ही दिल्ली में फ्री पानी देने की दिल्ली सरकार के दावों की भी पोल खोल रहे हैं। ऐसे में विपक्ष के पास दिल्ली सरकार पर हमला करने की एक और बड़ी वजह मिल गई है। विपक्ष का कहना है कि दिल्ली सरकार साफ और पर्याप्त पानी देने में फेल साबित हो रही है, इसीलिए निजी क्षेत्र को ये कदम उठाना पड़ा। देखिए, समस्या जो गंदे पानी की समस्या, सप्लाई की समस्या है, ये बहुत गंभीर समस्या है। इसको लेके आरोप प्रत्यारोप तो कोई भी लगा सकता है। जैसे हमारे भी मंत्री जी पे आरोप लगाया कि इनकी आरओ वालों से सांठ गांठ है। मैं इसका जवाब आप पार्टी को देना चाहता हूँ। आपने भी देखा, आरओ प्लांट इनका लगा हुआ है। ऐसे आरओ प्लांट पूरी दिल्ली के अंदर 7-8 जगह लगे हुए हैं, और सबसे अहम बात है कि ऐसे प्लांट उन जगहों पर लगे हुए हैं जहां पर क्लस्टर बस्ती है, अनऑथराइज कॉलोनियां हैं। वहां पर आरओ प्लांट लगा करके ये लोग 6 रुपए में बोतल बेच रहे हैं, 6 रुपए की बोतल गरीब आदमियों को बेच रहे हैं। तो ये तो एक काम अपना अच्छा कर रहे हैं, एनजीओ वाले हैं, चाहे उसका उद्घाटन इन्हीं के विधायक ने किया, इन्हीं के निगम पार्षद के द्वारा लगाया गया, लेकिन एनजीओ अपना काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, सरकार का सारे कार्य फेल है, तभी तो ये कर रहे हैं। एक तरफ सरकार कह रही है हम स्वच्छ पानी दे रहे हैं, दूसरी तरफ आरओ से बिकवा रही है। तो ये उसके करनी में और कहने में फर्क है। एक तरफ बीमार पानी तो दूसरी तरफ स्वच्छ पानी।